हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस तरीके की एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं ब्लेंडर में बिल्कुल आसानी से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस प्लैंक की मॉडलिंग कर लेनी है ब्लेंडर में, तो हम इसी क्यूब का यूज करेंगे। तो इसको हमें क्यूबॉइडल शेप दे देना है, तो इसके लिए एस प्रेस कीजिए इसको स्केल करने के लिए, देन एक्स प्रेस कीजिए और एक्स एक्सिस पर इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, देन एस प्रेस कीजिए, देन वाई प्रेस कीजिए और वाई एक्सिस पर थोड़ा इसको छोटा कर दीजिए। तो अब हमारी प्लैंक बन गई है। अब दोस्तों इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो जी प्रेस कीजिए, देन जेड प्रेस कीजिए और जेड एक्सिस पर इसको ऊपर कर दीजिए। देन अब हमें प्लेन को ऐड करना है, तो शिफ्ट ए प्रेस कीजिए, देन मेश पर जाइए और प्लेन को ऐड कर लीजिए। देन इसको बड़ा करना है, तो एस प्रेस कीजिए और इसको बड़ा करिए। देन अब दोस्तों हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट में फिजिक्स सेटिंग को अप्लाई करना है, तो सबसे पहले इस क्यूब को सिलेक्ट कर लीजिए, देन फिजिक्स टैब में आना है और रिजिड बॉडी पर क्लिक कर दीजिए और शेप में इसको बॉक्स कर दीजिए और सरफेस रिस्पॉन्स पर क्लिक करिए और फ्रिक्शन की वैल्यू को फुल कर दीजिए। जरा प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए ये प्लेन के आर पार जा रहा है, तो इसके लिए प्लेन में भी हम फिजिक्स सेटिंग को अप्लाई करेंगे। तो प्लेन को सिलेक्ट करिए, देन रिजिड बॉडी पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, प्लेन भी नीचे गिर रहा है, तो उसको हमें रोकना है। तो यहाँ पर टाइप में पासिव कर दीजिए और शेप में इसको मैश कर दीजिए और फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। देन अब प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्यूब उसके ऊपर गिर रहा है। लेकिन दोस्तों हमें क्यूब में एक और सेटिंग को इनेबल करना है, तो क्यूब को सिलेक्ट करिए, देन यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर आपको डायनामिक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पर आपको डीएक्टिवेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको टिक कर देना है और स्टार्ट डीएक्टिवेटेड पर भी टिक कर देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जब तक कोई दूसरा एक्टिव ऑब्जेक्ट आपके इस ऑब्जेक्ट को टच नहीं करता, तब तक ये नीचे नहीं गिरेगा। तो अभी प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नीचे नहीं गिर रहा। जब तक कोई दूसरा एक्टिव ऑब्जेक्ट इसको टच नहीं करेगा, तब तक ये नीचे नहीं गिरेगा। तो मैं दोस्तों कोई दूसरा एक ऑब्जेक्ट ले आता हूँ और उससे इसको टच करके देखता हूँ। तो शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, देन मैश, देन क्यूब को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें की फ्रेम ऐड कर दी है। अब इसको मैं एक्टिव ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, तो इसके लिए रिजिड बॉडी पर क्लिक कर दीजिए, देन इसको मैं पासिव कर देता हूँ और एनिमेटेड पर टिक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको एनिमेट किया है। तो अब प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो जैसे ही टच हुआ तो ये एक्टिव हो गया ये ऑब्जेक्ट। तो इसी वजह से हमें डायनेमिक्स में डीएक्टिवेशन को टिक मार्क कर देना है, ताकि जब तक वो स्फीयर बिल्डिंग को टच ना करे, तब तक बिल्डिंग अच्छे से खड़ी रहे। देन अब दोस्तों अपन को बिल्डिंग की मॉडलिंग कर लेनी है, तो वन प्रेस कीजिए अपने नंबर पैड पर, देन जी प्रेस कीजिए, देन जेड प्रेस कीजिए और इसको प्लेन पर ले आना है आपको। आप बिल्कुल से जूम इन कर सकते हैं, देन जी प्रेस कीजिए, देन जेड और इसको बिल्कुल उसमें टच कर देना है आपको। अब दोस्तों इसको सिलेक्ट करिए, देन वायर फ्रेम व्यू पर जाइए और अब हम इसी प्लैंक को डुप्लीकेट कर लेंगे। तो शिफ्ट डी प्रेस कीजिए, देन एक्स प्रेस कीजिए और एक्स एक्सिस पर इसको यहाँ ले आइए, देन लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए शिफ्ट आर प्रेस कीजिए, तो अपने आप यहाँ पर बॉक्सेस ऐड होते जाएंगे। अब दोस्तों सेवन प्रेस कीजिए अपने नंबर पैड पर टॉप व्यू के लिए, देन मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन इन्हीं को आपको डुप्लीकेट कर लेना है। तो शिफ्ट डी प्रेस कीजिए, देन आर प्रेस कीजिए, देन 90 प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाएंगे। देन जी प्रेस कीजिए और इनको यहाँ ले आइए। देन अब दोस्तों इन्हीं बॉक्सेस को सिलेक्ट कर ही रहना है और शिफ्ट डी प्रेस कीजिए, देन एक्स प्रेस कीजिए और इसको दूसरी तरफ कर दीजिए, देन फिर से शिफ्ट डी प्रेस कीजिए, देन एक्स प्रेस कीजिए और इसको बीच में कर दीजिए, देन फिर से शिफ्ट डी प्रेस कीजिए और एक्स प्रेस कीजिए और इसको यहाँ ले आइए।
देन अब दोस्तों आपको इन बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेना है, तो इसको सिलेक्ट करिए, देन शिफ्ट होल्ड करे रहिए और इसको सिलेक्ट करिए और इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, देन अपने नंबर पैड पर 1 प्रेस कीजिए, देन इनको हमें ऊपर कर देना है, तो G प्रेस कीजिए, देन Z प्रेस कीजिए और इस तरह से इसको ऊपर कर दीजिए। देन अब 7 प्रेस कीजिए अपने नंबर पैड पर टॉप व्यू के लिए, देन अब हमें इनको डुप्लीकेट करना है, तो शिफ्ट D प्रेस कीजिए, देन Y प्रेस कीजिए और Y एक्सिस पर इसको यहाँ ले आइए, देन फिर से शिफ्ट D प्रेस कीजिए, देन Y प्रेस कीजिए और इस तरह से इसको यहाँ ले आइए। अब दोस्तों मैं सॉलिड व्यू में आ जाता हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं कि अपनी बिल्डिंग का बेस बन चुका है। अब दोस्तों हम इसी को डुप्लीकेट करके पूरी बिल्डिंग बनाएंगे, तो सभी को सिलेक्ट कर लेना है आपको, देन अपने नंबर पैड पर 1 प्रेस कीजिए, देन शिफ्ट D प्रेस कीजिए इसको डुप्लीकेट करने के लिए, देन Z प्रेस कीजिए और इसको यहाँ ले आइए, देन लेफ्ट क्लिक कर दीजिए और फिर लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए शिफ्ट R प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर अपने आप बिल्डिंग बनती जाएगी, तो जितनी ऊपर आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों मैंने इतनी बिल्डिंग बना ली है, अब दोस्तों इसको गिराना है, तो हम एक स्फीयर को यूज़ करेंगे, तो शिफ्ट A प्रेस कीजिए, देन मैश पर जाइए और यूवी स्फीयर पर क्लिक कर दीजिए, देन G प्रेस कीजिए तो इसको यहाँ ले आइए, देन S प्रेस कीजिए और इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, देन G प्रेस कीजिए और इसको यहाँ ले आइए। तो अब दोस्तों अब हमें इस यूवी स्फीयर को एनिमेट करना है, हमें इसको यहाँ से यहाँ लेकर आना है, तो हम इसमें की फ्रेम ऐड करेंगे, तो आई प्रेस कीजिए, देन लॉक रोट स्केल पर क्लिक कर दीजिए, देन अब फ्रेम नंबर 15 पर आ जाइए और जी प्रेस कीजिए और इसको नीचे कर दीजिए बिल्कुल, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि वो बिल्कुल नीचे गिरे तो बिल्डिंग से ही टकराए, देन आई प्रेस कर दीजिए और लॉक रोट स्केल पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों मैं प्ले करके देख लेता हूँ, तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से एनिमेट हो रहा है। देन अब दोस्तों हम इसमें भी फिजिक्स सेटिंग को अप्लाई करेंगे, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन रिजिड बॉडी पर क्लिक कर दीजिए और टाइप में इसको एक्टिव ही रहने दीजिए। देन अब दोस्तों क्योंकि हमने इसको एनिमेट किया है तो हम एनिमेटेड पर टिक कर देंगे, लेकिन दोस्तों हमें ये एनिमेटेड मेनू को भी एनिमेट करना है, तो मैं फ्रेम नंबर 9 पर आ जाता हूँ और एनिमेटेड पर टिक कर दीजिए, देन इस पर कर्सर ले आइए और आई प्रेस कर दीजिए। देन अब दोस्तों फ्रेम नंबर मैं 12 पर आ जाता हूँ, देन इसको अनटिक कर देना है, देन फिर से इस पर कर्सर ले आइए और आई प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों फ्रेम नंबर 12 के बाद ये अपने आप एक एक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो दोस्तों शेप में इसको स्फीयर कर देना है। तो दोस्तों मैं प्ले करके देख लेता हूँ, तो देखिए दोस्तों इसका वेट बहुत कम है इसलिए ये बाउंस कर रहा है, तो इसका वेट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो मैं मास यहाँ पर 20 किलो कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छे से ये एनिमेट हो रहा है, तो दोस्तों आप इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर सीन प्रॉपर्टीज के टैब में आ जाना है, देन रिजिड बॉडी वर्ल्ड पर क्लिक करिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन है, तो ये रिजिड बॉडी ऑब्जेक्ट्स के लिए है, तो यहाँ से आप कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, और इस वैल्यू को आप एनिमेट भी कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, तो मैं प्ले करके पहले देख लेता हूँ, तो मैं फ्रेम नंबर 25 से इसको एनिमेट करूँगा, तो फ्रेम नंबर 25 पर आ जाइए, देन इसकी स्पीड 1 ही रहने दीजिए और इस पर कर्सर ले आइए और आई प्रेस कर दीजिए और एक फ्रेम आगे आ जाइए, देन इसकी स्पीड मैं 0.7 कर देता हूँ, देन इस पर कर्सर ले आइए और आई प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों फ्रेम नंबर 24 के पहले
इसकी स्पीड 1 रहेगी और जैसे ही 25 फ्रेम पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड 0.7 हो जाएगी। तो मैं दोस्तों प्ले करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी स्पीड अपने आप कम हो गई है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 250 फ्रेम के बाद ये एनिमेशन रुक जाती है। तो अगर आप इस एनिमेशन को लंबा करना चाहते हैं तो यहीं पर एक कैचे का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पर एंड की वैल्यू दी गई है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो जितनी आप लंबी एनिमेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ पर एंड की वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद बेक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप बेक पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एनिमेशन है वो सेव हो जाएगी। तो दोस्तों हमने ये एनिमेशन बना ली है। अब दोस्तों हमें इसको कलर देना है, तो सबसे पहले रेंडर्ड व्यू में आ जाते हैं। तो यहाँ पर रेंडर्ड व्यू में आ जाइए। देन अब दोस्तों सन की सेटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर सन को सिलेक्ट कर लीजिए। देन जी प्रेस कीजिए और सन को यहाँ पर ऊपर ले आइए। देन यहाँ पर लाइट के टैब में आ जाइए और यहाँ पर आपको सन कर देना है और इसकी स्ट्रेंथ मैं 7 कर देता हूँ। देन डबल आर प्रेस कीजिए और इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। देन अब दोस्तों कैमरे की सेटिंग कर लेते हैं, तो 0 प्रेस कीजिए अपने नंबर पैड पर। देन एन प्रेस कीजिए, देन व्यू पर जाइए, देन लॉक कैमरा टू व्यू पर क्लिक कर दीजिए। देन अपने कैमरे को आप अच्छे से सेटअप कर लीजिए। तो यहाँ पर कैमरे की रेंज कम है तो कैमरे को सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर कैमरा के टैब में आ जाना है और इसकी एंड वैल्यू को आपको बढ़ा देना है, तो इसकी रेंज बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों रेंडर इंजन के टैब में आ जाइए और रेंडर इंजन को साइकिल्स कर लीजिए। देन अब दोस्तों हम ऑब्जेक्ट्स में कलर दे देते हैं, तो सबसे पहले इस यूवी स्फीयर को सिलेक्ट करिए। तो ये अभी स्मूथ नहीं है, तो इसको स्मूथ करना है तो राइट क्लिक करिए और शेड स्मूथ पर क्लिक कर दीजिए, तो ये स्मूथ हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इसको कलर दे देना है, तो इसको सिलेक्ट करिए। देन मटेरियल्स टैब में आ जाइए और न्यू पर क्लिक करिए। देन यहाँ पर मैं बेस कलर इसको ब्लू दे देता हूँ और इसकी मेटलिक की वैल्यू को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब दोस्तों प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए, देन न्यू पर क्लिक करिए और इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। देन अब दोस्तों एक बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, देन यहाँ पर बेस कलर मैं इसको ऑरेंज दे देता हूँ। तो सभी प्लैंक्स में वो अपने आप मटेरियल ऐड हो जाएगा क्योंकि ये सब डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों आप प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी एनिमेशन वीडियो बन जाएगी। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एंड वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, तो जहाँ आपका वीडियो ख़त्म होता हो तो वहाँ पर आपको एंड फ्रेम दे देनी है। तो मेरा वीडियो 240 फ्रेम पर ख़त्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एंड वैल्यू 240 फ्रेम दे देता हूँ। देन अब दोस्तों आउटपुट सेटिंग कर लेनी है, तो आउटपुट टैब में आइए। देन आउटपुट फोल्डर को मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप फाइल का कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब फाइल फॉर्मेट में आपको FMPEG वीडियो सेलेक्ट कर लेना है ताकि ये वीडियो फॉर्मेट में रेंडर हो, और फ्रेम रेट को मैं 25 कर देता हूँ। देन इसके बाद दोस्तों रेंडर पर आना है और रेंडर एनिमेशन पर क्लिक कर दीजिए, तो दोस्तों आपका वीडियो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आसानी से आप ब्लेंडर में इस तरह की एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप ब्लेंडर एनिमेशन हिंदी में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।